नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 9 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महिला दिवस के मौके पर बिहार विधानसभा की कमान संभाली महिला विधायक ने। वीवीएस लक्ष्मण ने रोहित शर्मा के साथ इस खिलाड़ी को बतौर ओपनर उतारने की दी सलाह। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरंगाबाद बिहार ने निकाली रिक्तियां। 66वीं पीटी का रिजल्ट जारी करने की आई तारीख। पीएमसीएच में इलाजरत अपने परिजनों का हाल अब जान पाएंगे बस एक फोन कॉल में। गर्मी के मौसम में बिहार के लोगों को नहीं होगी पानी की कोई भी दिक्कत। अब चलिए नजर खबरों की ओर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरंगाबाद बिहार ने निकाली रिक्तियां। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरंगाबाद ने पैरा लीगल वॉलंटियर के कुल मिलाकर 100 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट dist.ecourts.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। महिला दिवस के मौके पर बिहार विधानसभा की कमान संभाली महिला विधायक ने। बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिहार विधानसभा में महिला विधायकों का बोलबाला देखने को मिला, जिसके तहत बिहार विधानसभा की दूसरी पाली की कमान पूरी तरह से महिला विधायकों के हाथ में देखने को मिली। इसके तहत ही सीतामढ़ी जिला के परिहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक गायत्री देवी को स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने कुशलतापूर्वक दूसरी पाली का संचालन किया। इस दौरान सिर्फ महिला विधायकों को ही बोलने की आजादी दी गई। दूसरी पाली में महिला विधायकों ने न सिर्फ महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाए बल्कि अपने क्षेत्र में समग्र विकास पर भी बहस की। नजारा बेहद दिलचस्प हो गया जब कांग्रेस की महिला विधायिका प्रतिमा देवी और नीतू सिंह ने महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार की तारीफों के पुल भी बांधे। बिहार में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के अभी हजारों आवेदन हैं लंबित। बिहार में रोजगार एक बहुत ही बड़ी समस्या है। हालांकि अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सालों से आवेदन लंबित पड़े हैं, जो बिहार में रोजगार को लेकर उदासीन व्यवस्था को दर्शाने का काम करते हैं। इसी क्रम में बिहार में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 2016-17 से 2020-21 में अभी तक 4,922 लाख से अधिक आवेदन लंबित है। केंद्र ने भी इस संदर्भ में आपत्ति जाहिर की। ऐसे में उद्योग निदेशालय ने सभी जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधकों से कहा है कि रोजगार योजना के लंबित इन मामलों को शून्य किए जाएं। खबरों की माने तो केंद्रीय एजेंसी के जरिए इस मामले में उद्योग विभाग से जवाब मांगा गया है। कृमि नियंत्रण के लिए बिहार में जल्द ही शुरू होगी विशेष तैयारी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में कृमि नियंत्रण को लेकर अपना बयान जारी किया है। इसको लेकर सरकार ने भी खास तैयारी कर ली है। इसको लेकर सभी जिलों में विशेष अभियान चलेगा। रविवार को मंगल पांडे ने कहा है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के 13 जिले अरवल, भोजपुर, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर एवं वैशाली में सफलतापूर्वक चल रहा है। बाकी बचे 25 जिले में भी इसका काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके तहत कोरोना के नियमों का पालन भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 1 से 5 साल के बच्चों एवं 6 से 19 वर्ष के स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को गृह भ्रमण के माध्यम से कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाएंगी। बिहार के महात्मा गांधी सेतु के जीर्णोद्धार कार्य को मिला विश्वकर्मा पुरस्कार। महात्मा गांधी सेतु के जीर्णोद्धार कार्य को देश भर में अब पहचान मिलने लगी है। यही कारण है कि इस सेतु के जीर्णोद्धार के काम को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य माना गया है। इतना ही नहीं, इस योजना को विश्वकर्मा पुरस्कार भी दिया गया है। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है कि CIDS विश्वकर्मा पुरस्कार के निर्माण श्रेणी में महात्मा गांधी सेतु के जीर्णोद्धार कार्य को निर्माण परियोजना में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। देश के सभी निर्माण परियोजना में इसे बेहतर बताते हुए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। चूंकि महात्मा गांधी सेतु देश में पहली परियोजना थी जिसका फाउंडेशन और पिलर का उपयोग कर नया पुल का निर्माण किया गया। खगड़िया के बावन कोठी तिरपन द्वार में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भूलभुलैया के नाम से जाना जाने वाला यह महल गोगरी अनुमंडल स्थित भतखंड गांव में गंगा किनारे राजा बैरम सिंह द्वारा 1663 ईसा में बनाया गया था। यह ऐतिहासिक महल बावन कोठी तिरपन द्वार नाम से विख्यात है। यह महल मुगल कालीन है। इसकी वास्तुकला आज भी जीवंत है। इस महल के अंदर एक मंडप है जिसके चारों ओर ईंट मारने पर अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं। इसके अंदर एक सुरंग भी है। उसी सुरंग द्वारा राजा और रानी पूजा करने के लिए मंदिर आते थे। इस महल में 27 तरह के ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसे भूल भुलैया इसीलिए कहते हैं, अगर कोई अनजान इसमें घुस गया तो फिर वो जल्दी नहीं निकल पाता। 66वीं पीटी का रिजल्ट बोर्ड जारी करेगा 25 मार्च तक। 66वीं पीटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग ने 66वीं पीटी परीक्षा के परिणाम को 25 मार्च तक जारी करने की बात कही है, जिसके तहत आयोग ने हाल ही में इसको लेकर आपत्ति की मांग भी की थी, जिसके बाद अब परिणाम को समय पर जारी करने की मांग शुरू हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले साल 27 दिसंबर को राज्य भर में बीपीएससी के द्वारा पीटी परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार और बाहर के राज्यों के कुल 2,80,000 के करीब अभ्यर्थी शामिल
शामिल हुए थे। वहीं एक सेंटर पर दोबारा आयोजित परीक्षा में करीब 800 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। अब आयोग इसके रिजल्ट को जारी करने की तैयारी में है। कोसी की झींगा मछली की देश विदेश में बढ़ रही है मांग। देश के अलग अलग राज्यों और विदेशों में अब झींगा मछली की बढ़ती मांग को देखते हुए मत्स्य विभाग ने कोसी क्षेत्र में इसके उत्पादन की विशेष रणनीति तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री विशेष पैकेज से तैयार जलकरों में इसका मुख्य रूप से उत्पादन होगा। इसको लेकर मत्स्य पालकों को इनपुट अनुदान का लाभ भी दिया जाएगा। विभाग द्वारा रियरिंग तालाबों के निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास और नए तालाबों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे जहां जल संरक्षण होगा वहीं इलाके की गरीबी दूर होगी, साथ ही लोगों को भी स्वरोजगार मिलेगा। जानकारों का कहना है कि कोसी से आंध्र प्रदेश से भी अधिक मत्स्य पालन की संभावना है। अब आप भी पीएमसीएच में इलाजरत अपने परिजनों का हाल जान पाएंगे। पटना के पीएमसीएच में इलाजरत मरीजों के परिजन के लिए अहम सूचना। अब आप अपने घर बैठे बैठे अस्पताल में भर्ती अपने मरीजों के तबियत से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसको लेकर अस्पताल की तरफ से विशेष तैयारी की गई है, जिसके तहत अस्पताल प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके अलावा बेड खाली है या नहीं, किस डॉक्टर की ओपीडी किस दिन है, इसे भी हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जाना जा सकेगा। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन की तरफ से पूछताछ केंद्र भी खोल दिए गए हैं। यह सुविधा अस्पताल में शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अब आप 0612-23000-80 या पीएमसीएच मेडिकल इमरजेंसी 0612-23000-177 या पीएमसीएच पूछताछ केंद्र 0612-23000-226 पर फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में बिहार के लोगों को नहीं होगी पानी की कोई भी दिक्कत। गर्मी के मौसम में अक्सर बिहार के कई इलाकों में पीने के पानी की भारी कमी की शिकायत सुनने में मिल जाती है। हालांकि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, यानी कि इस बार गर्मी के मौसम में बिहारवासियों को पानी की परेशानी नहीं होने वाली है, जिसके तहत 30 मार्च तक नल जल योजना का काम पूरा करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत अब बिहार के लोगों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत 1,14,691 वार्डो के लिए 1,83,00,000 से अधिक परिवारों को हाउस कनेक्शन देना है। इसमें अधिकतर परिवारों को हाउस कनेक्शन दे दिया गया है। भ्रष्ट आचरण के व्यक्ति नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। बिहार में पंचायत चुनाव का आयोजन होने वाला है। हालांकि चुनाव को लेकर समय समय पर तरह तरह के अपडेट सामने आते रहते हैं। इसी क्रम में अब राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत यह साफ कर दिया गया है कि इस बार भ्रष्ट आचरण में न्यायालय की तरफ से दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके अलावा भारत के भीतर या बाहरी किसी दंड न्यायालय द्वारा राजनीतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए 6 महीने से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंड पा चुके या पंचायत के अंतर्गत वैतनिक पद या लाभ का पद धारण करता हो, ऐसे व्यक्ति भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सदन में एक बार फिर गुस्से में दिखे मुख्यमंत्री नीतीश। बिहार विधान परिषद में इन दिनों बजट सत्र का आयोजन करवाया जा रहा है। हालांकि हर दिन आयोजित होने वाले बजट सत्र में किसी न किसी मंत्री का पारा गर्म हो ही जाता है। ऐसे में हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बीते दिन देखने को मिला, जिसके बाद जब बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्सा हो गए, इसके बाद उन्होंने सदन में ही राजद विधान पार्षद सुबोध रॉय की जमकर डांट भी लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले नियम सीखिए उसके बाद बोलिए। सभापति से भी ऐसे विधान पार्षदों को नियम के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया। आपको बता दें यह मामला तब शुरू हुआ जब ग्रामीण विकास मंत्री सदन में बोल रहे थे। इसी दौरान राजद एमएलसी सुबोध रॉय ने टोका टोकी शुरू कर दी, इसके बाद मुख्यमंत्री ने आपा खो दिया। मुखिया और सरपंच समेत 6 पदों के उम्मीदवार को मिलेंगे 99 चुनाव चिन्ह। बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी अब अपने अंतिम चरण में है। वहीं अब चुनाव की तारीख भी कभी भी जारी की जा सकती है। इसी बीच अब बीते दिन चुनाव चिन्ह को लेकर अहम जानकारी सामने आई है, जिसके तहत इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया और सरपंच सहित सभी 6 पदों के लिए कुल 99 चुनाव चिन्ह का निर्धारण किया गया है। उनमें मुखिया पद के लिए 36 चिन्ह समेत सरपंच पद के लिए 21 चिन्ह, जिला परिषद सदस्य के लिए 20 चिन्ह, पंच के लिए 10 और वहीं विशेष परिस्थितियों के लिए 12 चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बावजूद टीका लगवाने में पंचायती राजकर्मी हैं अब भी काफी पीछे। बिहार समेत पूरे देश में टीकाकरण का काम जोर शोर से किया जा रहा है। वहीं टीकाकरण के तहत ही वर्तमान समय में पंचायती राज विभाग के कर्मियों को फ्रंटलाइन के तहत टीका लगाने का काम करना था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बार बार आदेश जारी करने के बावजूद अभी भी पर्याप्त संख्या में पंचायती राज के कर्मी टीका लेने नहीं पहुंचे हैं। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 31,000 पंचायती राज कर्मियों में से मात्र 19,817 कर्मियों ने कोरोना वायरस का टीका लिया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना टीका के लिए प्रोत्साहित किए जाने और संबंधित विभाग द्वारा जारी निर्देश किए जाने के बावजूद भी पंचायती राज कर्मी टीका लेने के लिए कम सामने आए हैं।
बिहार में अगले 24 घंटे में तापमान में बदलाव आने की बड़ी संभावना। बिहार में मौसम की स्थिति लगातार शुष्क बनी हुई है। दिन और रात के तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा रही है। इसकी वजह से ही दिन के समय में गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक रविन्द्र भारती ने बताया है कि आने वाले 24 घंटे में भी मौसम के तापमान में बदलाव देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग के न्यूमेरिकल मॉडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में आने वाले 24 घंटे के दौरान दिन और रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। हालांकि राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान रात के तापमान में थोड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। इसके साथ ही बिहार में कई जिले भी ऐसे देखने को मिलेंगे जहां बारिश की संभावना जताई गई है। सिर्फ 43 स्पीड गन होने पर परिवहन मंत्री ने जताई चिंता। बिहार में सड़क हादसों की खबर आए दिन सुनने में आ जाती है। हालांकि अब इन गाड़ियों पर नियंत्रण लाने के लिए ही 43 स्पीड गन ही मौजूद है। परिवहन मंत्री ने विधानसभा सदस्य अरुण शंकर प्रसाद के ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब देते हुए इन बातों को स्वीकार किया है। उन्होंने बताया है कि 2018 में ओवर स्पीड के कारण 84% दुर्घटनाएं हुई है। वहीं 2019 में यह घटकर 51% तक आ गई। परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार दुर्घटनाओं में कमी लाने का लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि इस दौरान विपक्ष की तरफ से पूछा गया कि क्या सरकार को नहीं लगता कि बिहार की सड़कों की लंबाई के आधार पर स्पीड गन की संख्या कम है। सरकार स्पीड गन के विकल्प के तौर पर क्या व्यवस्था कर रही है, इसकी जानकारी भी मांगी गई। रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया बल का इस्तेमाल। बीते दिन रोजगार नहीं मिलने से परेशान युवाओं ने अपना विरोध प्रकट किया, जिसके तहत राजधानी पटना के गांधी मैदान में एनएसयूआई के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने निकले थे। एनएसयूआई ने इस प्रदर्शन के लिए रोजगार 2 डिग्री लो का नारा देते हुए भी दिखाई दिए थे। गांधी मैदान तक तो ठीक था, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता जैसे ही गांधी मैदान से आगे बढ़े होटल बोरिया स्थित जेपी गोलंबर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जब कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और मार्च को रोक लिया, जिसमें कई छात्र भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। होली से पहले बिहार में बड़े सियासी मिलन की बढ़ी संभावना। रालोसपा का अब जदयू में विलय तय माना जा रहा है, जिसके बाद इस बात की चर्चा अब एक बार फिर से शुरू हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा अब जदयू में कभी भी शामिल हो सकते हैं। जानकारों की माने तो होली से पहले ही रालोसपा का विलय जदयू के साथ हो जाएगा, जिसके बाद अब एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा अपने मुख्य पार्टी में वापसी कर लेंगे। वहीं अब इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि 14 मार्च का ही वो दिन है जब रालोसपा जदयू में शामिल हो जाएगा। हालांकि अभी भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जिसके बाद अगर ऐसा होता है तो रालोसपा का अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। पिछले कुछ समय से इसकी प्रबल संभावना देखी जा रही है। कचरा निपटारे के लिए पटना नगर निगम विकसित करेगा लैंडफिल साइट। बिहार के नगर निकायों में कचरा निष्पादन के लिए लैंडफिल साइट विकसित किए जा रहे हैं। लैंडफिल साइट से शहर से निकलने वाला कचरा को निष्पादित करने और कचरा से खाद आदि बनाने की सुविधा विकसित होगी। आने वाले वित्तीय वर्ष में नगर निकास और आवास विभाग इस काम को प्रमुखता से पूरा करने वाला है। इसके लिए सभी निकायों में खाली जमीन की खोज की जा रही है। जिन निकायों के पास अपनी जमीन नहीं है, वहां जमीन की खरीद की जाएगी। इसके लिए वित्तीय बजट 2021-22 के करीब 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गिरिराज सिंह के बयान पर उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने दिया बयान। भाजपा के बड़बोले नेता गिरिराज सिंह ने हाल ही में काम नहीं करने वाले अधिकारियों को बांस से पीटने की बात कही थी। इस पर अब बिहार में भी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने उनके इस बयान को गैर वाजिब बयान बताया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह गलत बात है कि किसी की पिटाई करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम बैठकर समाधान कर सकते हैं, हम मनुष्य हैं, सबसे थोड़ी बहुत गलती होती है, लेकिन उसका समाधान हम आपस में भाईचारे का रिश्ता बनाकर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस मौके पर उन्होंने महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से मानी जाती है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने 1994 में आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। भारतीय मूल के ब्रिटिश आधारित दिग्गज उद्योगपति स्वराज पॉल को 1999 में सेंट्रल बर्गिंगम विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टर की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। भारतीय लेखक शशि थरूर का 1956 में जन्म आज के दिन हुआ था। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी पार्थिव पटेल का 1985 में जन्म आज के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने 1994 में आखिरी सांस आज के दिन ली थी। मद्रास विधानसभा के से बीजी रेड्डी ने 1997 में दुनिया को अलविदा आज के दिन कहा था। पीवीएस लक्ष्मण ने रोहित शर्मा के साथ इस खिलाड़ी को उतरने की दी नसीहत। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इस साल भारत में ही आयोजित होने वाला है। जानकारों की माने तो इसका आयोजन अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, जिसके तहत भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने अपना बयान जारी किया है, जिसके बाद उनका मानना है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत को रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल को बतौर ओपनर उतारना चाहिए। उन्होंने शिखर धवन की जगह केएल राहुल को बतौर ओपनर अपनी पसंद बताया है। शिखर और रोहित लंबे समय से वनडे और T20 में भारतीय टीम में बतौर ओपनर में अपनी भूमिका निभा चुके हैं।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 8 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 43,530 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,530 रुपए दर्ज किया गया था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 66,500 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 93.52 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 85.47 रुपए प्रति लीटर था। ट्रोलिंग के शिकार नेहा पेंडसे ने तोड़ी चुप्पी। एक्ट्रेस और पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट नेहा पेंडसे ने पिछले साल 2020 जनवरी में शार्दुल ब्यास से शादी रचाई थी। इसके बाद से ही वो इसे लेकर सुर्खियों में रही थी और अक्सर ऑनलाइन ट्रोल होती थी। शार्दुल दो बार डिवोर्सी हैं और उनके हर शादी से एक बच्चा भी है। ट्रोलर्स शार्दुल को पहली और दूसरी शादी को लेकर अक्सर ट्रोल करते रहते हैं। नेहा पेंडसे ने इस ट्रोलिंग को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि यह अभी तक रुकी नहीं है। नेहा ने कहा है कि मुझे लगता है कि यह ट्रोलिंग कभी रुकेगी भी नहीं। लोग आपको एक दूसरे से जोड़कर ट्रोल करेंगे ही, लेकिन मेरे पति और मैंने इन लोगों को इग्नोर कर नाम सीख लिया है। ये ट्रोलिंग मेरे पति को बहुत नुकसान पहुंचाती है क्योंकि उन्हें इसकी आदत नहीं है। डिप्टी सीएम ने बिहार में पीएम स्वनिधि योजना के खस्ता हाल होने की मानी बात। बीते दिन विधानसभा सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने यह माना है कि राज्य में पीएम स्वनिधि योजना की हालत बेहद ही खराब चल रही है। सरकार ने बैंकों को इस बाबत सख्त आदेश भी जारी कर दिए और आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस योजना के तहत बड़ी संख्या में कर्ज देने का कोई काम न करे। और इस दौरान उन्होंने बताया कि योजना के तहत 89,000 से अधिक आवेदन आए हैं। जांच के बाद 28,537 आवेदनों को कर्ज देने लायक माना गया है। इनमें से 13,853 आवेदकों को कर्ज दिए गए हैं। यह योजना वेंडर्स के लिए है। राज्य में पंजीकृत वेंडर्स की संख्या 1,53,000 से अधिक है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है साहिल राज, करण यादव, ब्यूटी वीडियो बॉक्स, पुनील शाह, लक्ष्मी कुमारी, विभीषण ठाकुर, गुड्डू कुमार, अखिलेश यादव, श्वेता रॉय, प्रदीप, मुरारी कुमार, सतीश कुमार, संचिता कुमारी, प्रभु कुमार, विकास सिंह, प्रकाश कुमार, विकी कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बंगाल विधानसभा चुनाव में बिहार की राजनीतिक पार्टियों को सफलता मिलेगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।